दोस्तों नमस्कार, माय एडवाइस प्लेस चैनल में आपका स्वागत है। एक मैं आपको ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें दिखाने जा रहा हूँ जिसका प्रोडक्शन रेट काफी हाई है। एक प्रोडक्ट ऐसा मार्केट में अभी इस टाइम पे लॉन्च है जो काफी टाइम से चलता हुआ रहा है, हर घर पे यूज होता है। दोस्तों वैसे तो मैं आपको अलग अलग बिजनेस की जानकारी देता रहता हूँ, ये एक ऐसी मशीन है हमारे पास। इस मशीन में आप बहुत तरह के काम कर सकते हो। कोई भी आइटम आप मार्केट से कच्चे में खरीदो और उसकी पैकिंग करो, पैक करके उसको बेचो, तो उसकी वैल्यू जो है दुगनी हो जाती है। तो एक कहावत भी है कि पैकिंग करके किसी भी चीज को हम बेचते हैं तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। इस चीज का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको आज मैं एक ऐसी हाई एफिशिएंसी इतनी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के बारे में बता रहा हूँ जो पूरी तरीके से सेंसर से लैस है, जिसमें सारी चीजें पूरी तरीके से ऑटोमेटिक बेस पे है। तो इसमें पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि हर किचन पर यह चीज यूज होता है, मैं आपको बात कर रहा हूँ इस तरह के प्रोडक्ट की जिसका नाम है स्क्रबर। जूना जो रहता है स्क्रबर पैकिंग के लिए, हर घर में बर्तन धोने के लिए, रेस्टोरेंट में बर्तन धोने के लिए इसका यूज होता है और इसका करोड़ों का टर्नओवर है इंडिया में, हर जगह पर ये चीज यूज होगी। तो ये चीज को आप कैसे बना सकते हो इस मशीन से और इस मशीन की क्या खासियत है, कितनी एफिशिएंसी है, कितना प्रोडक्शन है, इस चीज के बारे में पूरी बात करेंगे। तो जैसे ही मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर रहा था, देखो इस तरह का जो प्रोडक्ट है स्क्रबर पैकिंग का ये बनता है। तो दोस्तों आपको मशीन दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जिसका यहाँ पे पैनल लगा हुआ है। इस मशीन को कहते हैं कंप्रेसर बेस्ड डबल डाई मशीन। जैसे आपने देखा होगा पहले कुछ मशीनें चल रही थी, मैनुअल मशीनें आती थी, मैनुअल मशीनों में प्रॉब्लम ये रहती है कि आपके हाथ की प्रेसिंग जो है कई बार नहीं लग पाती है, कई बार उसमें प्रेसिंग में एक साइड से चिपक रहा होता है, एक साइड से नहीं चिपक रहा होता है। जैसे आपके इतना पीस है, 6 पीस ऊपर के चिपक गए, 6 लास्ट के खुल गए, इस तरह की प्रॉब्लम आती थी। तो वो सारी प्रॉब्लम इस मशीन में नहीं है, क्योंकि मशीन जो है थोड़ा सा आपका पैसा खर्च होगा लेकिन मशीन आपको पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ इसमें कैसे आप दो काम करेंगे। ये देखिएगा, एक डाई मेरी आगे लगती है, मैंने डाई लगा रखी है जिसमें अभी मैंने मटेरियल भर रखा है। इसमें इस तरह का जूना आएगा, इस तरह की कटोरी आती है और इस तरह के कार्ड आते हैं। तो ये तीनों चीजें इस मशीन में कैसे तैयार होती है, कटोरी सबसे पहले इस तरीके से फिट की जाती है, इस कटोरी के ऊपर इस तरीके से जूना रखा है, आप देखेंगे ये हर तरह की कटोरी इसके ऊपर जूना रखा हुआ है। तो एक डाई हमारी आगे लगी, एक डाई आपको मैं दिखाता हूँ, सेम मशीन है, एक डाई इसके पीछे लगी हुई है। आप जल्दी से ये देखिएगा, यही चीज मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। इसमें इस तरह के जूने रखे हैं, इस तरह के कटोरे रखे हैं। तो ये इस तरीके से क्या होगा कि दो डाइयां आपकी एक मशीन में एक साथ चला सकते हो। जब आपकी दो डाइयां चलती है तो आपका प्रोडक्शन जस्ट डबल हो जाता है 3 सेकंड में मात्र। और मशीनों में जैसे रहता है उसमें 8 सेकंड 10 सेकंड लगते हैं एक पत्ता सील होने में, इस मशीन की खासियत यह है 3 सेकंड में आपका एक पत्ता इसमें रेडी हो जाएगा। और दो डाई अगर है तो आपके 3 सेकंड में 2 पत्ते रेडी हो जाएंगे, एक डाई एक। आपको क्या करना है, एक मेन पावर आपकी यहाँ पे खड़ी है, एक आपकी उधर की साइड खड़ी है। तो फटाफट आपको ये चीजें क्या है कि कितनी आसानी से, कितनी जल्दी तरीके से ये चीजें होती है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मेरी डाई रखी हुई है, इस तरीके से एक ग्राइंडर है, आप देखो कि मशीन किस तरीके से ऑपरेट हो रही है। मेरी मशीन है, अब आप देखेंगे मैंने अभी मशीन चालू भी नहीं कर रखा है, मैं मशीन को डाई को अंदर करूंगा, ऑटोमेटिक नीचे आएगा, 3 सेकंड बाद अप हो जाएगा। तो इस तरह का जैसे मेरे को एक्सेल पावर का ये करना है, मैंने इसके ऊपर कार्ड रखा, तो सेम यही प्रोसेस मेरे बगल में भी हो रहा होगा, वो भी उसके ऊपर कार्ड रखेंगे, आप देख रहे हो उन्होंने भी कार्ड रख दिया। तो जैसे मैं पहले मैं तैयार कर रहा हूँ इस मटेरियल को, मैं अपने ऊपर रेडी करवा रहा हूँ, ये मैंने इसके ऊपर कार्ड रख दिया। कार्ड रखते ही क्या होगा, जैसे आप देखेंगे, जैसे इसके ऊपर हमने कार्ड रखा, तो कार्ड रखते ही ये चीज देखेंगे आप, मैंने अंदर डाल दी और ये अंदर डालने के बाद मशीन ने इसको सील कर दिया। ये 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक यहाँ से घूम गया, ऑटोमेटिक उठने के बाद यहाँ से उन्होंने दूसरी डाल दी। तो आप देखो किस तरीके से, ये देखो दोनों कार्ड, मेरा कार्ड देखिए आप पहले किस तरीके से मेरा कार्ड पूरे का पूरा रेडी हो गया, साथ में आप ये कार्ड भी देख सकते हो। तो दो कार्ड हमारे कितनी जल्दी 3 सेकंड में ये रेडी होकर, जल्दी से मैं आपको अगला स्टेप करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये डाई मैंने हटा दी है, ये डाई हटाने के बाद अगली डाई मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। तो अगली डाई का मैं आपको मैं ये लगा के दिखाऊंगा, इस तरीके से मेरी ये अगली डाई है, अगली डाई मैंने इस मशीन में क्यों लगा दी, देखिएगा कि काम कितनी तेजी से करती है। तो ये देखेंगे ये डाई लगाई, ये इसके ऊपर मैंने ये कार्ड रख दिया, ये कार्ड रखने के बाद जैसे ही आप देखेंगे मैं मशीन को मैंने फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करा, ये देखिएगा कि ये चीज हमारा क्लेंडर है। तो ये मेरा मटेरियल है, ये इतने क्लेंडर हमारे रेडी हो गए, आप ये देख रहे हैं।
अंदर डालो, आप ये चीजें सील हो रही है, तो ये सील आप इधर देखिएगा कि ये चीज आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैं पूरे का पूरा दिखा रहा हूँ किस तरीके से रेडी हो गया, ये रेडी हो गया, आप देखेंगे वहां से ये रेडी हो गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से बार बार आप ये चीजें देखो कि कितने खूबसूरत तरीके से ये सारी चीजें रेडी हो रही है। आप ये देखिएगा कि इतने सारे कैलेंडर मैंने मात्र एक मिनट में इतने सारे कैलेंडर आप हमने रेडी करके दिखा दिए केवल इस मशीन से। तो आप इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो कि ये मशीन कितनी खूबसूरत तरीके से, कितनी हाई स्पीड मशीन है। पहले की जो मशीनें होती थी उनमें स्पीड थोड़ी कम रहती थी, इस मशीन में आपको स्पीड मिलेगी। तो मशीन की कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 68,000 रुपए की मशीन है, वो भी कंप्रेसर के साथ। इसमें एक इस तरह का एयर कंप्रेसर लगा रहता है और ये पूरी ऑटोमेटिक फुल्ली डबल डाई मशीन। अगर इसमें आप सिंगल डाई लेते हो तो सिंगल डाई आपको सस्ती मिलती है, लेकिन आपको अगर प्रोडक्शन चाहिए, आपको अगर क्वालिटी चाहिए, तो आपको दो डाई वाली मशीन लेनी होगी मात्र 68,000 रुपए में। 68,000 में आपको एक कंप्रेसर मिलेगा, मशीन मिलेगी, इसकी सारी डाइयां मिलेंगी, ये पूरा सेटअप आपको 68,000 में मिलेगा। बहुत से लोगों के पास ऐसा कंप्रेसर पहले से होता है घरों में, अगर आपके पास ऐसा कंप्रेसर पहले से है और आपको केवल मशीन चाहिए, तब आपको मशीन मात्र 48,000 रुपए में मिलेगी। आपके पास पहले से कंप्रेसर है तो 48,000 में, कंप्रेसर के साथ ले रहे हो तो 68,000 का पूरा सेटअप है। आप देखो कितने सुंदर तरीके से हमारा सारे का सारा मटेरियल रेडी हो गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से। इस तरह की आपको ये सेंसरलेस मशीन है पूरा, उसके अंदर आप देखेंगे सेंसर लगा हुआ है, ये हमारा डिजिटल मीटर है। आपको जैसे भी मैं करके दिखा रहा हूँ, होता क्या है ना, इसके अंदर ऐसा सेंसर रहता है, ये देखिए मैं जैसे ही अंदर आऊंगा प्लेट नीचे आ जाएगी, यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाती है, 3 सेकंड में ऑटोमेटिक उठ गया। ये इसकी खासियत है, ये देखो फिर मैं करके दिखा रहा हूँ, ये है इसके ऊपर सपोज अगर मटेरियल होता तो मैंने यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, देखो 2, 3 होती है ऊपर, तो 3 सेकंड में ये चीज हमारी रेडी होती है। तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से ये रहता है। और रही इसकी रॉ मटेरियल की बात, कच्चे माल की बात, तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास किस तरीके से इसका कच्चा माल, कच्चा मटेरियल रहता है सभी तरह का। तो ये इस तरह का मटेरियल, इसका ये कार्ड वगैरह हमारे पास सारे भरे रहते हैं, कार्ड है, और इधर की साइड आपको मैं दिखाऊंगा कि जूने वगैरह सारा इनमें पेटियों में भरा हुआ है। और भी तरह का बहुत मटेरियल हमारे पास है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मशीन आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी, कहीं से भी आप अगर ले सकते हो तो मशीन की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौरभ वो नंबर दो वाला, ये देखो ये जैसे कार्ड दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे ये एक्सो के कार्ड है, ये इस तरह के कार्ड है, तो सभी तरह के कार्ड है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मसाले पैक करने के लिए आपको इस तरह के कार्ड मिल जाएंगे। और दिखाता हूँ, ये इस तरह के ब्लिस्टर रहते हैं, ये सारे ब्लिस्टर भी हमारे पास है, ये स्क्वायर ब्लिस्टर कहते हैं, ये स्क्वायर ब्लिस्टर मिल जाएंगे आपको। आपको जल्दी से मैं मसाले ब्लिस्टर दिखाना चाहता हूँ, इस तरह के मसाले ब्लिस्टर रहते हैं, ये देखिएगा रॉ मटेरियल का पूरा हमारे पास भरमार रहती है। ये देखिएगा इस तरह के ब्लिस्टर रखे हुए हैं, ये ब्लिस्टर है और यहाँ पे सारा ब्लिस्टर रखा हुआ है, जूना रखा हुआ है, तो रॉ मटेरियल आपको सारा मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे भी मैं आपको कह रहा था कि किस तरीके से ये सारी चीजें बनती है, अब आपको मैं बताता हूँ ये सारी चीजें आपको मिलेगी कहाँ पे। आप ऑल इंडिया में कहीं भी हो, हमारे पास तेलंगाना, हैदराबाद, सबसे ज्यादा कस्टमर हमारे पास महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में हमारी हर जगह मशीनें गई हुई है। तो आपको ये आना है उत्तर प्रदेश, आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में बरेली पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बरेली से मात्र 1.5 घंटे का रास्ता रुद्रपुर है, ये इंडस्ट्रियल एरिया रहता है रुद्रपुर। तो आपको रुद्रपुर में ये सारी चीजें मिलेंगी, आप कहीं से भी आ रहे हैं तो या तो आप बरेली आ जाइए, मुरादाबाद, तो उसके पास में ही रुद्रपुर है, रुद्रपुर से ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आप हमसे व्हाट्सएप में कॉल के द्वारा कभी भी आप हमसे जानकारी ले सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कीजिए, 9119010631, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करिए चाहे कॉल करिए। मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है 9412962702, ये मेरे दो मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पर आके मेरे को व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपको कोई नई जानकारी दूंगा। धन्यवाद।